नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों के साथ पश्चिम एशिया की महात्रासदी जो इज़राइल और फिलिस्तीन और दूसरे संबंधित देशों के बीच में चल रहे महायुद्ध जैसी त्रासदी की चिंता से प्रेरित है, आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। ये कविता विश्व नेतृत्व से और इस समस्या को सुलझाने के प्रयत्न में लगे हुए वैश्विक नेतृत्व को आह्वान है कि इंसानियत को इस दर्द से जितनी जल्दी हो सके मुक्त करने का प्रयत्न करें। तो मेरी कविता है बदनाम इतिहास की संतानें। बात एक हमास, एक गजा, एक पश्चिम किनारे की नहीं है, और ना ही बात है ये शक्तिशाली यहूदी देश इज़राइल की ही कहीं। शक्तिशाली सिर्फ फौजें ही होती हैं जो हथियारों से लैस होकर अपनी आखिरी सांसों तक सामने वालों के लिए मौत की नंगी नाच नाचती हैं। शहीद शैतान होने की बातें लड़ाई के मैदानों से दूर लोगों की मौका प्रस्त व्याख्याएं हैं अपनी सीमित सोच की दुनिया में। कभी ईमानों की बेईमानी में, कभी खुशहाली के फलसफों की धांधली में, कभी कबीलों और बिरादरियों की, कभी खुशहाली की खोज में भटके रास्तों की। शक्तिशाली सिर्फ राइफल उछालती उग्रवाद ताकतें ही नहीं होती हैं जो नेथे कमजोरों, बच्चों और औरतों पर अपने इंसान न होने के सबूत छोड़ती हैं, बल्कि वो जनमानस भी जो शैतानी करतूतों की भत्सना भूलकर मजहब और हालात की दुहाई देकर शैतानों के सीने पर चुप्पी के तमगे लगाता है। बात उन दिमागों की टेढ़ी सोच की है, कूटनीति और राजनीति की खोट की है, जो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और कभी कभी चीन और भारत की उन सियासी खेलों की है जिनमें सच, झूठ और फरेब सब राष्ट्रहित की झूठी लेबल में बिकते हैं, जिनमें हथियारों के लिए युद्ध और युद्ध के लिए हथियार एक ही लगते हैं, जिनमें दोस्त देशों और दुश्मन देशों की परिभाषाएं एक दूसरे की पर्याय लगती हैं। बात उन दिमागों की क्रूर सोच की है जो फल रही है दुनिया की बदहाली और इंसानी अपाधपी में। बच्चों की गाड़ियों के नीचे कुचल कर मौत दिखाते मंजरों में, आंगन तक पहुंचे मरीजों का मिसाइलों का शिकार होते देखते अलशफाओं में, औरतों के साथ बर्बरता की सीमाएं पार करती अधर्मी जिहादी मिसालों में, बूढ़े दादा दादी नाना नानियों को खौफनाक मौत के हवाले करती हालातों में। ओ राष्ट्रहित, विश्वहित के तथाकथित महानायकों, तुम न जाने अपनी कौम की आज की और कल की भलाई की कौन सी तस्वीरों के लिए धरती के आज को नरक बनाने पर तुले हो। ओ राष्ट्रहित, विश्वहित के तथाकथित महानायकों, तुम न जाने अपनी कौम की आज की और कल की भलाई की कौन सी तस्वीरों के लिए धरती के आज को नरक बनाने पर तुले हो। कभी अपने ही देश में विदेशियों और विधर्मियों का झूठ फैलाते हो तुम, कभी विदेशों से आए
आकर तुम्हें अपना संसार बनाने वालों को अवांछित कहते हो। तुम कुछ भी सोच लो, अपनी सोच की सीमाओं को उन हदों तक ले जाओ कि तुम्हें इंसाफ के कटघरे में खड़े होकर अपनी करतूतों का बचाव न करना पड़े मानवता के शीर्ष अदालतों में। तुम कुछ भी सोच लो, अपनी सोच की सीमाओं को उन हदों तक ले जाओ कि तुम्हें इंसाफ के कटघरे में खड़े होकर अपनी करतूतों का बचाव न करना पड़े मानवता के शीर्ष अदालतों में। हिटलरी नरसंहार शिविर वारदातों की अधम राष्ट्रीयता से पीढ़ियों को शर्मिंदा न करना पड़े। हिरोशिमा नागासाकी त्रासदी के खलनायकों की स्वार्थ की अधमता से शर्मिंदा न होना पड़े। हिटलरी नरसंहार शिविर वारदातों की अधम राष्ट्रीयता से पीढ़ियों को शर्मिंदा न होना पड़े। हिरोशिमा नागासाकी त्रासदी खलनायकों की स्वार्थ की अधमता से शर्मिंदा न होना पड़े। देशभक्ति की अमानवीय सोच सनक की मिसालों में तुम्हारा नाम अमिट कालिखों से लिखा न लगे। देशभक्ति की अमानवीय सनक की मिसालों में तुम्हारा नाम अमिट कालिखों से लिखा न लगे। तुम्हारी बेकसूर दूर भविष्य की संतानें भागती न फिरें तुम्हारी बदनाम पहचानों से। तुम्हारी बेकसूर दूर भविष्य की संतानें भागती न फिरे तुम्हारी बदनाम पहचानों से। तुम्हारी बदनाम पहचानों से।